रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको होश और आबाद रखे और आप सबको मेरी तरफ से रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत आमद हो। व्यूअर्स, आज मैं आपको बीफ कढ़ाई बनाने का तरीका सिखाऊंगी। बहुत ही झटपट बनने वाली कढ़ाई है और ही बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके लिए मैंने 1/2 kg लिया है बीफ और साथ मैं आपको ये चीज़ें बताऊँगी जब मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ। ठीक है, आइए अपना काम स्टार्ट। प्रेशर कुकर में, अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है, आप दूसरा पॉट यूज़ कर लें। ठीक है, उसके लिए आपको फिर ज़्यादा टाइम लेना पड़ेगा बुलाने के लिए। और ये 3 अदद है मीडियम साइज़ के प्याज और 3 अदद है टमाटर। सबके बड़े बड़े पीस मैंने काट लिए क्योंकि हमने इसकी रिमूव करनी है स्किन, तो फिर हमें स्किन रिमूव करने में आसानी होगी। और 10 से 12 जवे हैं लहसुन की। ठीक है, और 1/2 कप पानी डाल के इसको हमने 20 से 25 मिनट के लिए, विसल आने के बाद 20 से 25 मिनट के लिए आपने इसके ऊपर चढ़ा देना है। और साथ ही ये स्पाइसीज ऐड करनी है। 1/2 teaspoon है रेड चिली पाउडर और 1/4 teaspoon है हल्दी पाउडर और 1/2 teaspoon है सॉल्ट। और सॉल्ट हम बाद में अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे। 1/2 कप पानी का है इसके अंदर ऐड करते हैं और अब इसको हमने 20 से 25 मिनट के लिए चलाना है। ठीक है, 20 चलाने के फौरन हमने इसको रख दिया है। तो अब 25 मिनट बाद मैं आपको अगला प्रोसेस बताती हूँ क्या करते हैं। आइए हम इसको चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें व्यूअर्स। ठीक है, अब इसके अंदर से हमने ये जो है ना इसकी स्किन रिमूव कर लेनी है। इस सारी ऐसे एक एक करके ना सारी रिमूव कर लीजिएगा, वो फिर मुंह में आते बड़े बड़े पीस अच्छे नहीं लगते। ठीक है, ये देखें इस तरह आपने रिमूव कर लेनी है। अब हम इसको कढ़ाई के अंदर, कढ़ाई में डाल दी। अब आपने इसका थोड़ा सा पानी जो थोड़ा बहुत ही रह गया था उसको ड्राई कर लें और साथ ही इसके अंदर हमने डाल देना है तकरीबन ये 1 tablespoon बनेगा अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। ठीक है ना, इसको आप पीस लीजिएगा, इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। हरी मिर्च मैंने तकरीबन 1.5 लिया और एक छोटा पीस अदरक का लिया था। अगर आप इसको पीसेंगे तो वो आपका 1 tablespoon बन जाएगा। ठीक है, पेस्ट आप इसके अंदर ऐड करके साथ हम इसके अंदर ऑयल डाल देते हैं। ऑयल भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। कुछ घरों में ज़्यादा ऑयल पसंद किया जाता है, कुछ घरों में कम। तो अगर मैं इस रेशो को देखूँ तो मुझे 4 tablespoon चाहिएगा ऑयल। ठीक है, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको हम भून रहे हैं 5 से 6 मिनट को हमने भूनना है। ठीक है, भूनने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि अगला हमने स्टेप क्या करना है। ठीक है, देखिए 5 मिनट तक हमने इसको इस तरह थोड़ा पानी ड्राई कर लिया। अब यहाँ पे आपने यहाँ पे आके आपने 1/4 teaspoon शामिल कर देना है हुस्न धनिया, 1/4 teaspoon जीरा पाउडर और 1/4 teaspoon कुटी हुई मिर्च शामिल कर देनी है। ठीक है, इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं। इसको भी हमने 5 मिनट तक भून लेना है। ठीक है, यहाँ पे आके आपने अपना सॉल्ट भी चेक कर लेना है। अगर आपको सॉल्ट में कोई कमी बेशी लग रही है, कमी लगेगी ज़ाहिर है, हमने कम यूज़ किया था, तो आप उसको अपने टेस्ट के मुताबिक बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर आके हमने 2 tablespoon योगर्ट ऐड कर देना। ठीक है, अब हमने जो अपना फ्लेम है ना बिल्कुल लो कर देना। पहले हमने मीडियम पे इसको भूना है, अब फ्लेम लो कर देंगे। ठीक है, ये देखें दही का जो टेक्सचर था वो भी इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे आके अगर आप चाहते हैं कि आपकी ग्रेवी हो तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर लें और साथ गोश्त भी इस स्टेज पे आके आपने चेक करना है। अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपका गोश्त गला नहीं है, थोड़ा सा पानी डाल के उसे गला लें और इस तरह खुश कर लें। और अगर आपको ग्रेवी पसंद है तो आप थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके थोड़ा सा 5 मिनट के लिए बॉयल कर लेंगे तो आपकी ग्रेवी आपको मिल जाएगी। मैंने सिर्फ कढ़ाई बनाई है और कढ़ाई में ही इसको सर्व करना है। चूँकि ये बीफ कढ़ाई है तो इसको कढ़ाई में ही हमने सर्व करना है। तो इसके ऊपर हमने जो गार्निशिंग करनी है वो ये है, 1/4 teaspoon है ब्लैक पेपर और 1/4 teaspoon है गरम मसाला। ठीक है, इसके अंदर ऐड करते हैं। अब हम फ्लेम अपना बंद कर देते हैं और यहाँ पे हमने हरा धनिया की गार्निशिंग करनी है और साथ ही कुटी हुई मिर्चें और साथ ही ये अदरक बारीक बारीक कटा हुआ। और इस तरह हमारी व्यूअर्स अब डिश आउट तभी करेंगे इंशाल्लाह जब हमने इसको अफ्तार करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो मिल सकें। और यहाँ पर आके व्यूअर्स मैंने आपको एक और बात बतानी है, यहाँ पर हमने 1 spoon क्रीम का भी ऐड करना है बंद। और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह ताला हम सबका हमें नासिर हो, अल्लाह ताला हमें रमज़ान के बरकात और उसके फ़ज़ाइल से फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। तो व्यूअर्स अब आपकी इजाज़त चाहती हूँ, अब इसको हमने ढक के रख देना है। ठीक है, और इसके साथ ही आपकी इजाज़त चाहती हूँ, आइंदा मैं आप फिर आपकी खिदमत में पेश होंगी नई वीडियो के साथ। उस तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।